ये तीन लकी विनर्स हैं जो कि शादी इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए कि शादी के कपड़े यहाँ से लो वहाँ से लो, तो मैं बहुत सारी जगह पे गया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली है। तो जो भी शॉपिंग मैंने आज की है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े मुझे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो है काफ़ी बैड एक्सपीरियंस भी रहा, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आइडिया भी होगा कि किस तरह के कपड़े आपने पहनने हैं शादी ब्याह वगैरह पे अगर आप लड़के हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप सब ने पहले देखा हुआ है कि मैंने जो है बच्चों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं उन लोगों के लिए खिलौने और चीज़ें वगैरह लेकर आऊँगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है मैं उनके लिए कुछ भी नहीं लेके आ सका। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों को मैं अपनी शादी पर ना खुद ही शॉपिंग करवा देता हूँ। तीनों बच्चे जो हैं घर में माशाल्लाह, एयान, अब्दुलरहमान और अनाबिया, इन तीनों को जो है मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को यहाँ से शॉपिंग करवा देता हूँ। झूठ बोल रहे झूठ कहाँ बोल रहे ये देखे नाबिया के लिए माशाल्लाह नाबिया प्रिंसेस लगेगी ये पहन के, तो ये मैंने लिया नाबिया के लिए। और उसका टैग भी खाओ था, तो ये भाभी ने खुद जो है वो इसको जो है वो किया था सिलेक्ट। अब ताज भी भाभी ने इसको खुद सिलेक्ट किया था, तो इसके साथ ये बहुत प्यारा ताज भी है। ये वाला ताज आप देखें, बहुत जबरदस्त किस्म का ताज है, बहुत प्यारा सूट है माशाल्लाह। ये हो गया, फिर इसके बाद आ जाते हैं नाबिया का मेहंदी का सूट, ये देखे माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये देखिए छोटी सी गुड़िया के लिए जबरदस्त है, ये देखिए बहुत प्यारा लगेगा। ये उसका लहंगा था और ये उसके ऊपर कमीज है। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए वो छोटा भी आ गया, तंग कर रहे हैं दोनों मुझे। ये देखिए उसकी बहुत प्यारी कमीज है, और ये जो है ये एयान का शायद ये अब्दुल रहमान का, ये अब्दुल रहमान के लिए लिया था मैंने, ये तो मेरे साथ ही गए थे। तो ये जबरदस्त किस्म का सूट है, ये अब्दुल रहमान का और ये एयान का है। ये देखिए बहुत जबरदस्त सूट है, ये भी दोनों भाइयों ने एक तरह का पहना है। और अहमद जो है अहमद का भी सेम सूटिंग है, यही है। इनके साथ जो इन्होंने पहना है वही अहमद ने भी पहना है, यही है। हाँ सेम कलर है, तो ये भी हो गया। तो अब जो है अब मैं बताता हूँ कि इन लोगों को मैंने सूट लेके दिए थे। ये मेरा प्रिंट सूट है, ये प्रिंट सूट तो नहीं सूट है, सूट है ये वेस्ट कोट, तो वेस्ट कोट भी इसके साथ आप लोग देखेंगे कि ये शादी पे प्रिंट सूट है इंशाल्लाह। और ये देखें ये है अब्दुल रहमान का छोटा सा, बहुत प्यारा है। ये भी वेस्ट कोट सेम है, दोनों का वेस्ट कोट है, टाई भी है, थ्री पीस सूट है ये भी। ये सारा कुछ जो है ये आप लोग वीडियो में देखेंगे, ये है वलीमे में पहनेंगे, मेहंदी पे पहनेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग सारा इस पे देखेंगे। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आप लोग अपनी शॉपिंग के जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से की थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इन लोगों को यहाँ जो है ना आप साइड पर रखते हैं प्लीज, जो दिखा के ना ये वो आगे रख दो आप। तो एयान जो है मेरी हेल्प कर रहा है वीडियो बनाने में भी, वो कैमरा मैन बना हुआ है, पीछे कुर्सी रखी हुई है उसने, आप लोग देखेंगे प्रॉपर एक कैमरा मैन की तरह जो है ये वीडियो बनाता है। वो उस पर रख दो टेबल के ऊपर, हाँ इधर रख दो, चलो ठीक हो गया। अब जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलिया से जो अपने लिए शॉपिंग की थी वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो चलिए मैं आपको पैंट दिखाता हूँ, ये देखें पैंट जो है आमना ने भी कहा था कि वो मैं जो है पैंट्स, ये देखें ये नीचे ट्राउजर टाइप बनी होती है पैंट्स, तो इसको जोगर पैंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह की पैंट जो है वो मैं पहनता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्फी होती हैं, कम्फर्टेबल होती हैं पहनने में, इतनी टाइट्स भी होती है, टाइट जीन्स वैसे ही उसे पहनी जाती है, मैंने एक पहनी भी हुई है। तो ये मैंने तीन चार ली थी जो कि पूरी जो है जितने भी अच्छा मैंने पाकिस्तान में रहना है तो वो इंशाल्लाह यही पहनूंगा मैं, और एक दो शायद मैं यहाँ से भी ले लूँ वो शादी के बाद ही अब लूँगा। ये देखें ये तीनों मैंने लिए थे, ये आप लोग देख सकते हैं ये लिए। तो चलिए अब वक्त आता है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने निकाह पे जो है वो कौन सा सूट पहनना है। तो निकाह का सूट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्त किस्म का है, वो आमना ने मुझे गिफ्ट भी किया था वो वाला सूट, तो वो स्टिच नहीं था, मैंने उसको स्टिच करवाया, उसके मुताबिक मैंने वेस्ट कोट ली थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सूट जो है वो ये है, ये देखें ये इस तरह का सूट है, बहुत कमाल का सूट है यार, खंडी खरंडी पता नहीं क्या कहते हैं इसको, खरंडी खादी,
खड्डी कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि खड्डी कहते हैं। खड्डी का सूट है, बहुत जबरदस्त है, वो प्रेस करवाना है इंशाल्लाह। तो प्रेस ही कह रहे, प्रेस करवाना है मैंने भी से इंशाल्लाह। खाड़ी के आप लोग, खाड़ी एक ब्रांड है, उसका नाम है खाड़ी। खाड़ी तो ये जो है, ये है वेस्टकोट। वेस्टकोट जो मैंने उसके साथ पहनी है, ये सूट के साथ, ये बहुत कमाल का ये लगेगा इंशाल्लाह। ये है वेस्टकोट, तो ये भी प्रेस होने वाली है इंशाल्लाह, ये भी करेंगे सबसे अच्छा। तो ये जो आप लोगों ने मुझे कहा था, मैंने वहीं से जाके मैंने ली है ये चीजें। तो इंशाल्लाह ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बारी है मेहंदी का ड्रेस दिखाने की, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेहंदी में मैंने क्या पहना। तो मैं तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या क्या मैंने शूज कौन से पहने हैं उसमें निकाह पे, और निकाह पे मैंने ये वाले शूज जो है वो पहने हैं। ये वाले शूज जो है मैंने पहने, मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ट्राई किए थे, तो ये वही शूज है। ये भी हो गए। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेहंदी पे जो है मैंने कौन सा सूट पहना। मेहंदी पे मैंने जो है ये वाला, ये भी मैंने स्टिच करवाया क्योंकि मुझे गोल्डन कपड़ा नहीं मिल रहा था। तो ये गोल्डन कपड़ा मैंने पहले बाय किया, फिर उसके बाद मैंने इसको स्टिच करवाया। ये देखा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है ये, स्टिच करवाया। फिर जैसे लोगों ने मुझे कहा था कि ग्रीन कंट्रास्ट है अमला के लहंगे के साथ, कोई सूट लें, तो ये वाली वेस्ट कोट मुझे मिल गई। देखिए ज़रा, बहुत ज़बरदस्त कंट्रास्ट बन जाता है, कमाल का कंट्रास्ट बन जाता है। और इसके साथ जो है शूज जो मैंने पहनने हैं, इसावी चप्पल होती है, क्या कहते हैं उसको, मुझे पता। ये देखिए ये चप्पल है, ये वाली चप्पल जो है वो मुझे पसंद आई थी, डिफरेंट कलर में, उसमें ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है। ये देखिए कमाल की है ये भी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके साथ मैंने पहनी है मेहंदी पे। बस ये थी मेरी शॉपिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये दुपट्टा जो है वो मैंने मेहंदी पे जो है वो इस तरह जो ओढ़ते हैं, तो ये दुपट्टा उसके साथ मैंने पहनना है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगा, 3 लकी विनर्स को जो है मैं इन्वाइट करूँगा अपनी वेडिंग पे, तो उसकी जो है अपनी शादी पे, हाँ उसके लिए जो है मैंने सारी पर्चियाँ लिख ली हैं। तो भाभी और मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उसके लिए, हमने बहुत ज़्यादा, सिर्फ उन लोगों के नाम इसके अंदर हैं जिनका ईमेल एड्रेस जो है वो लिखा हुआ था, तो उसके अलावा और किसी का नहीं हमने लिखा। वो तकरीबन थे काफ़ी, कोई 80-90 थे, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए नीचे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन लोगों के नाम जो है सबके, जिन्होंने ईमेल के साथ अपना नाम लिखा है, उन सबके नाम जो है वो इस बॉक्स के अंदर हैं। तो उस कुरानदाजी में 3 पर्चे जो हैं इसमें से जो है वो अब्दुल रहमान निकालेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप हमें अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड जो है वो दिखाएं। तो ये देखें, ये है शादी का कार्ड, शादी का कार्ड है, ये वुड का बना हुआ है। ये कार्ड है जो कि 3 लकी विनर्स को मिलेगा उसका इन्विटेशन, और जो है आपको अपनी फैमिली के साथ आपका इन्विटेशन होगा। तो चले अब जो है ना अब्दुल रहमान को हम कहते हैं कि अब्दुल रहमान साहब जो है ये आकर 3 पर्चियाँ इस बॉक्स से निकालें, तो हम लोग जो है उन लोगों के नाम जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो है वो 3 पर्चियाँ निकाल लेगा, नहीं ये पर्ची निकाल के मुझे देते रहो ना, और 2 और पर्ची निकाल लो, 2 हो गई, 2 पर्ची अब्दुल रहमान ने निकाल ली है, और ये तीसरी भी अब्दुल रहमान ने निकाल ली है। तो ये 3 लकी विनर्स हैं जो कि शादी इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। तो इसको मैं अभी साइड पर रखता हूँ। तो सबसे पहले हम 2 पर्ची हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, आप लोग देख सकते हैं 2 पर्ची यहाँ पे रख दी हैं। सबसे पहले हम ये पहली पर्ची को खोलते हैं, इस पे देखते हैं किसका नाम लिखा हुआ है। क्या ये नाम पढ़ना, सामने आ रहा और पहला पहला नाम जो निकला है नईम राणा से, नईम राणा साहब जो भी हैं, इनका ईमेल एड्रेस होगा। तो इस पे जो है इन्हें आधे घंटे के बाद जो है इनको ईमेल आएगी,
तो प्लीज उस ईमेल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दें। अब ये पहले लकी विनर्स हैं, नईम राणा। तो अब हम निकालते हैं दूसरे जो हैं। मेरा नाम निकल गया। ये कौन है? महक खान है जी, दूसरी लकी विनर्स। तो इंशाल्लाह इनका भी ईमेल आईडी होगा तो उस पे भी हम इनको ईमेल कर देंगे। करके दिखाओ ना ऐसे, वहां से ठीक नहीं नजर आया। अब लगता है मेरा नाम महक खान है, दूसरे जो लकी विनर है वो महक खान है। ये भी हो गए, और अब तीसरे जो है लकी आखिरी जो फाइनल विनर है शादी पे आने के, तो ये देखें ये कौन है। इरम शाहजेब, इरम शहजादी साहिबा जो हैं ये लकी विनर्स हैं थर्ड। तो इंशाल्लाह आप भी जो है बहुत जल्द जो है विद इन हाफ एन आवर यू गन गेट द ईमेल। तो आधे घंटे के अंदर मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं रब्ता नहीं करूंगा, मैं भाभी वगैरह से कहूंगा कि वो आपसे रब्ता कर लेंगे, क्योंकि आप फीमेल हैं। तो मैं इंशाल्लाह प्रेफर करूंगा कि वही आपसे रब्ता करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। यहाँ देखें मुझे गाइड कर रहा है कि बेल आइकन को दबाओ, पीछे कुर्सी पे बैठा हुआ है वीडियो बना रहा है। ये बहुत तेज है माशाल्लाह, समझदार है, इसको पता है किस तरह एंगल लेने हैं। तो यान को फोटोग्राफर बना देना, मैंने यान को प्रॉपर एक पता नहीं फिल्म बनाने वाले बंदे वो बना देना 2-3 महीने में आप देखेंगे। और अब्दुल रहमान ने माशाल्लाह पुलिस वाला बनना है, वो कहता मैंने पुलिस वाला बनना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आगे क्या कहना है, पसंद आएगी तो लाइक करें। अब चले अब्दुल रहमान को जो है अब्दुल रहमान से फिनिश करवाते हैं। चलो अब्दुल रहमान आप क्या कहोगे एंड पे, अगर आपको ये वीडियो क्या कहना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। उम्मीद करता हूँ दुआ में याद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।